नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आईएनएक्स मीडिया केस में करीब 3 महीने तक तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जैसे ही जमानत दी, कांग्रेस मानो खुशी से झूम उठी। कांग्रेस ने जहां इसे सच्चाई की जीत बताई, तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिदंबरम पर लगे आरोपों को बदले की कार्रवाई बता दी। कांग्रेस के बयानों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने जमानत मिलने के बाद बुधवार को करीब 106 दिनों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। सिर्फ जमानत मिलने से ही खुश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई, सत्यमेव जयते। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चिदंबरम की 106 दिन की कैद द्वेषपूर्ण और बदला लेने के इरादे से थी। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच में वे अपनी बेगुनाही को साबित करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस ने चिदंबरम के खिलाफ दर्ज केस को बदले की कार्रवाई बताई, तो बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला बोला गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि ये पूरा देश जानता है कि चिदंबरम ने गृह मंत्री रहते क्या क्या किया। उन्होंने कहा, चिदंबरम ने गृह मंत्री रहते क्या किया पूरा देश जानता है। चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन मामलों में पर्याप्त सबूत हैं और उनसे पूछताछ भी हुई है। मामला विचाराधीन है और अब अदालत ही फैसला करेगी। हम प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। चिदंबरम को जमानत मिलने से ये नहीं साबित होता कि वो निर्दोष हैं। उनके खिलाफ जो मामले हैं उनमें कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई हुई है। जहां तक चिदंबरम के मामले में कांग्रेस के आरोप हैं, उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसाया गया है, तो ये बात अदालत में साबित होगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। नितिन गडकरी ने चिदंबरम को किसी साजिश के तहत फंसाए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा, इसके विपरीत चिदंबरम ने ही मुझे फंसाया था। कांग्रेस शासनकाल में जब पी चिदंबरम गृहमंत्री थे, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे। इन मामलों में कुछ नहीं निकला। ऐसे में कहना कि बीजेपी उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है, पूरी तरह से गलत है। शर्तों पर चिदंबरम की रिहाई। जेल से जमानत पर रिहा हुए पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी मामले में मदद की थी। सीबीआई ने मई 2017 में इस संबंध में चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और पहली बार 21 अगस्त को इस मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जबकि 16 अक्टूबर को उन्हें हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें बुधवार को जमानत तो मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगा दी। कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत के लिए 2 जमानतियों के साथ 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरने की शर्त रखी है। इसके अलावा चिदंबरम इस मामले में न तो सार्वजनिक बयान दे सकेंगे और न ही मीडिया में बात कर सकेंगे। चिदंबरम को बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश जाने से भी रोका गया है और साथ में चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामलों के गवाहों से भी संपर्क नहीं कर सकेंगे।